न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज एक दूजे के हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और साथ ही रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी आज है और इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, लालू यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह, अमेरिका से किम कंडेंशियन, ब्रिटेन से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसे नामी शख्सियत मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में सात फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे और फिर कल यानी कि 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी और शादी से पहले एंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया जिसमें अंबानी परिवार ने कई फीट के शिवलिंग का अभिषेक किया। अनंत और राधिका ने पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने यह अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान में मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। तो आज जो शादी है और कई जो खास मेहमान हैं ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से वो मुंबई पहुंच चुके हैं और काफी धूमधाम के साथ में ये शादी होगी और ये आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर कई जो खास मेहमान हैं वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं, माफ कीजिएगा मुंबई पहुंच चुके हैं और ये मुंबई पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रैपर हनी सिंह भी पहुंच चुके हैं और ब्रिटेन के पूर्व पीएम भी पहुंच गए हैं और कई भारत के सिंगर और विदेशी गायक भी इस वक्त मुंबई में हैं जो कि शादी में शामिल होंगे। आज जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, दुनिया भर से मशहूर शख्सियत इस ग्रैंड शादी का गवाह बनने के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। एंटीलिया के साथ साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी समारोह होगा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज यानी 12 जुलाई के दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने जा रही है जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का समय ही बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं। अनंत और राधिका आज सात फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे शुभ मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए गए हैं। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। देश की सबसे बड़ी शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाने वाले हैं जिसके लिए मशहूर रैपर हनी सिंह भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाली देश की अब तक की सबसे बड़ी और भव्य शादी में 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी।
शादी से पहले एंटीलिया में अनंत और राधिका के मंगल कामना के लिए शिव शक्ति का अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में चार चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं जियो वर्ल्ड सेंटर। इसी जगह से सबसे पहले आएंगे, यहाँ पे फोटो क्लिक कराएंगे। फोटो क्लिक कराने के बाद सीधे वो शादी के फंक्शन में, जहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया, उस फंक्शन में जाके सीधे शिरकत करेंगे। तो अंबानी परिवार में पहले भी शादी हुई है, लेकिन अनंत अंबानी सबसे छोटे बेटे हैं अंबानी परिवार में, इसलिए उनकी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जियो वर्ल्ड सेंटर की, और यहाँ पर रिसेप्शन होना है, जिसको लेकर देखिए तैयारियाँ काफ़ी जोरों पर हैं। आज शादी होगी, शादी एंटीलिया में होगी, और उसके बाद में भव्य जो तैयारियाँ हैं, डेकोरेशन का काम जियो वर्ल्ड सेंटर में भी इस वक्त जारी है, और सज धज कर जियो वर्ल्ड सेंटर तैयार हो चुका है, और देखिए खास तौर पर इसे डेकोरेट किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जियो वर्ल्ड सेंटर की, और आज अनंत और राधिका की शादी होगी, जिसके बाद में रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन यहां पर होगा, और कई जो खास मेहमान हैं वो जियो वर्ल्ड सेंटर भी पहुंचेंगे, और यहां पर भी खास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और खास तौर पर इसे सजाया जा रहा है। तो कई खास मेहमान मुंबई पहुंच चुके हैं, और साथ ही तैयारियां काफी भव्य की जा रही हैं। तो आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, और साथ ही शुक्रवार को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कार्यक्रम होगा, और वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो अनंत अंबानी की शाही शादी में शामिल होने के लिए कई वीवीआईपी गेस्ट इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं, और कई सारे कार्यक्रम पहले भी शुरू हो चुके थे। हल्दी की रस्म हुई, इससे पहले शिव पूजा की गई, और नीता अंबानी जो कि बनारस पहुंची थी, और उन्होंने बनारस का जिक्र भी किया कि उनका खास लगाव है। तो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जियो वर्ल्ड सेंटर से, लाइव तस्वीर है, और जहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ना सिर्फ भारत बल्कि देश और दुनिया के कई वीवीआईपी गेस्ट इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और शादी में शामिल होंगे। तो शादी की मुबारक घड़ी आ चुकी है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, और एंटीलिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, और ये तस्वीरें हैं जियो वर्ल्ड सेंटर की, और वहां पर शादी की तैयारियां कैसी हैं वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और कई सारे जो खास मेहमान हैं वो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम भी शादी में शामिल होंगे, इसके अलावा कई बिजनेसमैन और साथ ही कई सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स भी आज शादी में शिरकत करेंगे।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जियो वर्ल्ड सेंटर की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये एंटीलिया की तस्वीरें हैं जहां पर आज जो शादी संपन्न होगी और एंटीलिया में भी खास तैयारियां की गई हैं और जो विशेष मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि खास तैयारियां एंटीलिया में भी की गई हैं और जो रिसेप्शन होगा वो जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा और जियो वर्ल्ड सेंटर में भी लोग पहुंचेंगे। और देखिए शादी में आपको भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, शहनाई और ढोल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जो कि खास मेहमान आज पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तो इस साल की सबसे बड़ी शादी, शाही शादी, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से खास मेहमान पहुंच रहे हैं। तो शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बारात दोपहर 3 बजे जियो वर्ल्ड सेंटर में पहुंचेगी और उसके बाद में रात को 9:30 बजे के करीब फेरे होंगे, वरमाला होगी। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कार्यक्रम में भारत की संस्कृति और विरासत की छाप देखने को मिल रही है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का वाराणसी से विशेष नाता भी है और पिछले महीने वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। ऐसे में आज जब उनके बेटे की शादी होने जा रही है तो नीता अंबानी को आप सुन रहे थे और उन्होंने जिक्र किया जब वाराणसी पहुंची थी वो, और साथ ही उन्होंने कई लोगों को वाराणसी में इनविटेशन भी दिया था जो पहुंचे हुए हैं शादी में और पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी उन्होंने जाहिर की। तो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज होगी और साथ ही दोपहर 3 बजे बारात पहुंचेगी और सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी, इसके बाद में मिलने की रस्म होगी और उसके बाद में रात को 8 बजे वरमाला होगी और साथ ही फेरे की रस्म 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और शादी से कई दिन पहले से ही रस्में शुरू हो चुकी थी और उन रस्मों की तस्वीरें भी आप देखिए। और आज इस शादी में भारत की संस्कृति और विरासत की जो झलक है वो भी आपको देखने को मिल रही होगी।